हेलो व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। व्यूअर्स, आज मैं एक बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आया हूँ। आज का हमारा टॉपिक ये है कि यूट्यूब चैनल अगर आपने बनाया हुआ है और मोनेटाइज है और उसके ऊपर जो रेवेन्यू डेली अपडेट हो रहा है वो अचानक से फ्रीज़ हो जाता है, वो क्यों फ्रीज़ हो जाता है और उसके पीछे क्या रीज़न है और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ये सब मैं आपको बताऊँगा आज की इस वीडियो में। इससे पहले हम वीडियो की जानिब बढ़ें, आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को क्लिक करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो का ये टॉपिक बहुत ही अहम है क्योंकि बहुत से लोगों के साथ ये मसला आता है कि उनका रेवेन्यू जो है वो अपडेट होना बंद हो जाता है। जब वो अपने गूगल यूट्यूब चैनल पे जाकर एनालिटिक्स में चेक करते हैं रेवेन्यू, तो वो स्टॉप्ड होता है, वो अपडेट नहीं होता। इसकी क्या रीज़न है वो भी मैं इस वीडियो में आपके साथ आगे चल के डिस्कस करूँगा और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है इस प्रॉब्लम को वो भी आपको बताऊँगा। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले व्यूअर्स, मैं जाता हूँ अपने चैनल में और आपको दिखाता हूँ कि जब रेवेन्यू फ्रीज़ होता है तो वो किस तरह से नज़र आता है और कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आपका रेवेन्यू फ्रीज़ है। चैनल में जाने के बाद कस्टमाइज चैनल में जाएंगे और यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा कि रेवेन्यू फ्रीज़ हुआ हुआ है और इसकी रीज़न्स क्या हैं, क्यों ये अपडेट नहीं हो रहा। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मैं रेवेन्यू के ऊपर आ गया हूँ। ये आप देख सकते हैं कि लास्ट 3 दिन से जो है, 3 से 4 दिन जो है वो रेवेन्यू फ्रीज़ है और वो अपडेट नहीं हो रहा। पहले जो था वो डेली बेसिस पे अपडेट हो रहा था। तो सबसे पहले तो व्यूअर्स, मैं आपको ये बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। सबसे पहली रीज़न ये है कि अगर आपका चैनल रिसेंटली मोनेटाइज हुआ है और आपका रेवेन्यू भी डेली अपडेट हो रहा है लेकिन आपके व्यूज़ बहुत ही कम हैं, इस वजह से जो है वो आपका जो है ये रेवेन्यू फ्रीज़ हो जाता है और वो अपडेट नहीं होता। सबसे पहली रीज़न तो ये है। और दूसरी रीज़न ये है कि आपके डेली के व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं और जो एडवर्टाइज़र हैं उन्होंने उनकी तरफ से ये प्रॉब्लम आई है और इसलिए आपका रेवेन्यू जो है ऑटोमेटिकली यूट्यूब ने जो है, यूट्यूब के सिस्टम ने जो है वो फ्रीज़ कर दिया है और वो अपडेट नहीं हो रहा। तो ये दो रीज़न होती हैं जिसकी वजह से डेली बेसिस पे जो रेवेन्यू है वो अपडेट नहीं होता। तो व्यूअर्स, इसमें ज़रा भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि ये आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आपने करना क्या है, ये आप आइकॉन देख रहे हैं जिस पे लिखा हुआ है चैट विद क्रिएटर सपोर्ट। आपने इस आइकॉन को क्लिक करना है और यूट्यूब वालों से चैट करनी है, उनको बताना है कि इतने दिन से आपका रेवेन्यू जो है वो अपडेट नहीं हो रहा। वो आपसे कुछ कॉमन क्वेश्चन पूछेंगे, आपने उनके जवाब देने हैं। इसमें आपको ज़रा भी घबराने की बात नहीं है। वो ना ही अपना आपका चैनल डीमोनेटाइज करेंगे और ना ही आपका चैनल बंद करेंगे। आपको यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम से नहीं हटाएंगे बल्कि वो आपकी प्रॉब्लम जो है वो 100% फिक्स्ड कर देंगे। तो व्यूअर्स, इसका यही एक हल है कि आप इनसे चैट करें यूट्यूब वालों से और उनको अपनी प्रॉब्लम बताएं तो वो आपका ये मसला हल कर देंगे। इसमें आपको ज़रा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि पिछले 4 दिन से रेवेन्यू अपडेट नहीं हुआ, ये प्रॉब्लम जो है वो तकरीबन 12 से 24 घंटे में सॉल्व हो जाती है उनसे चैट करने के बाद, और उसके बाद आपका रेवेन्यू जो है वो अपडेट होना शुरू हो जाता है। व्यूअर, समटाइम एक ये भी प्रॉब्लम आती है अगर आप एड्स पर खुद से क्लिक करें तो उस रीज़न की वजह से भी जो है ये रेवेन्यू फ्रीज हो जाता है और वो अपडेट नहीं होता। तो इसलिए आपने ये कोशिश करनी है कि आप खुद से एक भी क्लिक एड्स के ऊपर ना किया करें और ना ही अपना एड जो है वो खुद देखा करें। इस वजह से भी रेवेन्यू फ्रीज हो सकता है, लेकिन अगर जब इस वजह से हुआ तो वो आपको ईमेल भेज के कि आपने इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी की है वो आपका अकाउंट डीमोनेटाइज भी कर सकते हैं। तो इसलिए आपने ये कोशिश करनी है कि आप खुद से कोई भी क्लिक ना करें और इस और आपने इसमें ज़रा भी आपको घबराने की बात नहीं है। अगर आपने खुद से क्लिक नहीं किए और आपका रेवेन्यू जो है वो फ्रीज़ हो चुका है, सिर्फ आप यूट्यूब वालों से चैट करें और विद इन 12 to 24 आवर आपका ये मसला सॉर्ट आउट हो जाएगा। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।